हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी मल्टीप्लेक्सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लेक्सर। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? तो इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। क्या है इसके बारे में अगर हम लिखें तो क्या है? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर कहने का मतलब कि मल्टीप्लेक्सर में क्या था, मेनी इनपुट वन आउटपुट। ये मल्टीप्लेक्सर में था मेनी इनपुट वन आउटपुट, बट डी मल्टीप्लेक्सर में क्या कहता है कि वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट। तो हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि ए डिजिटल डी मल्टीप्लेक्सर हैज वन इनपुट एंड एन नंबर ऑफ आउटपुट, है ना, एन आउटपुट्स। ठीक है, वन इनपुट यानी कि इनपुट सिग्नल हमेशा वन होगा, बट आउटपुट की संख्या एन होगी। मतलब वो डिपेंड करेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा, कभी वन कभी टू कभी फोर कभी एट, इस तरह से हमारा नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल्स होंगे। ठीक है, एन आउटपुट्स। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर इज वन इंटू मेनी, है ना। मीनिंग ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर इज वन इंटू मेनी। अब ये इसमें भी क्या होता है, जैसे मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास कौन डिसाइड करता था कि आउटपुट कौन सा सिग्नल हमारा हाई होगा बाकी लो होगा, तो वो डिसाइड करता था वहां पर सिलेक्शन लाइन। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारा क्या है, कौन डिसाइड करेगा कि आउटपुट कौन सा होगा, वो हमारा सिलेक्ट करेगा कंट्रोल सिग्नल और सिलेक्शन लाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय अप्लाइंग कंट्रोल सिग्नल्स, है ना, द इनपुट सिग्नल कैन बी मेड अवेलेबल at any one of output terminal, है ना, output terminals। ठीक है, तो क्या होगा इसमें भी, हम कंट्रोल सिग्नल को हम सिलेक्शन लाइन भी बोल सकते हैं, सिलेक्शन लाइंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वन इनपुट। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो क्या हो जाएगा इसमें कि अगर ये हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज डीमक्स। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीमक्स बोलते हैं। ठीक है, डीमक्स, है ना। तो ये हमारा डीमक्स है, क्या है, ये डीमक्स है, यानी डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट है। इसमें क्या होगा, इनपुट एक होगा आई, ठीक है, ये आई सिर्फ है, और आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएंगे, जैसे वाई जीरो, ठीक है, वाई वन एंड सो ऑन करते हुए, है ना, वाई एन। और इसमें भी हमारे पास क्या लगे होंगे, सिलेक्शन लाइंस लगे होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, सिलेक्शन लाइंस और कंट्रोल सिग्नल्स, इनको जो बोलिए। और इसमें भी हमारे पास होगा इनेबल्ड और डिसेबल्ड, यानी सर्किट को इनेबल और डिसेबल्ड करने के लिए एक स्विच लगा होगा। अगर ये ऑफ होगा तो ये पूरा सर्किट हमारा डिसेबल्ड होगा, यानी कि वर्क नहीं करेगा। अगर ये ऑन होगा तो ये हमारा सर्किट काम करेगा। तो ये था हमारा क्या है, ये है डीमक्स का डायग्राम। अब इसमें भी डीमक्स में भी कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप ऑफ डीमक्स कौन कौन से हैं, तो टाइप ऑफ डीमक्स आर कौन कौन से हैं, तो वही जस्ट रिवर्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, यानी कि वन इज टू टू,
वन इज टू टू है ना, टी मक्स, ठीक है। दूसरा है टू, वन इज टू, वन इज टू फोर, वन इज टू एट, वन इज टू 16 एंड वन इज टू 32। समझ में आया? तो ये हमारे टाइप्स हैं किसके, डीमल्टीप्लेक्सर के। ये जो हमारा है, ये इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा, ठीक है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। क्या है हमारे पास? इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, ठीक है। और ये जो हमारे पास है, ये 2 से लेकर 16 32 तक, ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल्स हैं, आउटपुट सिग्नल्स, ठीक है, आउटपुट सिग्नल्स। तो समझ में आ गया, यानी कि इनपुट हमेशा 1 होगा बट आउटपुट 2 4 8 16 और 32 हो सकता है। तो इसमें कैसे, इसमें भी कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हाउ मेनी आउटपुट सिग्नल? तो इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि n इज इक्वल टू 2 टू द पावर m, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर m। यहाँ पर n क्या है? n है आपका आउटपुट लाइंस। n क्या है यहाँ पर? वेयर वेयर n इज इक्वल टू आउटपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस, ठीक है। और m क्या है यहाँ पर? तो m है आपका सिलेक्शन लाइन, सिलेक्शन लाइन, है ना। यानी कि अगर आउटपुट लाइन अगर 4 है तो सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा? तो हम निकालते हैं क्या हो जाएगा, अगर हमको बोल दिया कि आउटपुट लाइंस अगर 4 है, हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझते हैं कि आउटपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस n इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? तो इसके लिए फॉर्मूला, ये हमारा एक फॉर्मूला है, तो इसी में m का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो m इज इक्वल टू हो जाता है लॉग लॉग 2n, ठीक है, लॉग में हो जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास, हमको क्या निकालना है? एम सिलेक्शन लाइन, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस और कंट्रोल लाइंस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या है? तो लॉग 2n। तो लॉग 2n कहने का मतलब कि लॉग 2 और n का वैल्यू है 4, तो 4 इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में, जरूर। कैसे लिखेंगे? तो लॉग 2 और 2 टू द पावर 2, तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि लॉग ए ऑफ ए का वैल्यू हो जाता है, या इसका पावर कुछ भी रहे, जैसे अगर इसका पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n, क्या हो जाता है ये, n हो जाता है। लॉग ए बेस भी a और इधर भी a रहेगा, अब a का पावर कुछ भी रहे तो वही वैल्यू यहाँ आ जाता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो m इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्शन लाइन डिसाइड करते हैं। तो इसमें अगर हम, हमारे सर पूछे कि 1:2:2 में नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ आउटपुट लाइन कितना है? तो n का वैल्यू है 2, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन m इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 2 ऑफ 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0, अरे सॉरी 2 का पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2 2 का पावर 1। तो ये हो जाएगा पूरा क्या वैल्यू, अब ये 2 है यहाँ भी और यहाँ भी 2 है, तो ये पूरा हो जाएगा 1 और ये हमारा 1 इसका वैल्यू आएगा, क्योंकि जो पावर होगा वही वैल्यू होता है। एम का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इसी तरह अगर हम दूसरा में देखें, है ना, दूसरा में देखें किस में, 1:4 में, तो इसमें हमारा एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 4, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 2 4, विच इज इक्वल टू लॉग 2 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, इसमें m का वैल्यू 2। इसी तरह अगर हम देखें 1:2 किस में, 8 में, n इज इक्वल टू 8, तो हो जाएगा m का वैल्यू, यानी कि सिलेक्शन लाइन हो जाएगा लॉग 2 8, और इसको हम लिख सकते 2 का पावर 3, तो हो जाएगा लॉग 2 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन 3। नेक्स्ट हम देखते हैं 1:16, तो इसमें n इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू लॉग 2 16, 16 को लिख सकते हैं हम लॉग 2 2 टू द पावर 4, है ना, तो ये हो जाएगा 4। और लास्ट हमारे पास है 1:32, तो n इज इक्वल टू है हमारे पास 32, सो m इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 2 ऑफ 32 32, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2
2 का पावर 5, सो इसका वैल्यू आ जाएगा 5, इसमें सिलेक्शन लाइन 5 होगा। तो सब में हम सिलेक्शन लाइन बता दिए कि इसमें कितना होगा, है ना, 1:2 डीमक्स में सिलेक्शन लाइन की संख्या 1, 4 वाले में 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसी तरह से सिलेक्शन लाइन बढ़ता रहेगा। अब हम एक एक करके देखते हैं सभी डीमक्स को। तो सबसे पहले हम 1:2 वाला देखते हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा अपने नोट कॉपी में। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है 1:2 डीमक्स। तो इसमें हमारे पास एक तो इनेबल्ड होगा, इसका ट्रूथ टेबल हम देखें तो, है ना, इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, ये हमारे 1:2 डीमक्स है, ठीक है। ये हम ऐसी लॉजिक डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर इनपुट हो जाएगा 1i, आउटपुट हमारे पास हो जाएगा 2, यानी कि y0 और y1। अभी अभी हमने बताया इसमें सिलेक्शन लाइन कितना बनेगा, सिर्फ 1 s0 और एक हमारा इनेबल्ड होगा, इनेबल डिसेबल करने के लिए e। तो इसमें हमारे पास क्या हो जा रहा है, देखिए e एक, इसका अगर ट्रूथ टेबल देखें, ट्रूथ टेबल, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, i एक इनपुट है, एक तो इनेबल डिसेबल्ड होगा, फिर एक i होगा इनपुट, और आउटपुट में हमारे पास या एक दो निकलेगा y0, है ना, और y1, ठीक है। अब ये इनपुट सिग्नल ही क्यों किसी न किसी आउटपुट में जाएगा, या तो y0 में जाएगा या y1 में जाएगा। क्या होता है इसमें, ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करता है कि ये वाला जो इनपुट सिग्नल है, ये वाला जो इनपुट सिग्नल है, ये इसमें कनेक्ट होगा या फिर इसमें कनेक्ट होगा, है ना, ये जो इनपुट है या तो y0 या y1 में ये आई जो जाएगा, है ना, जाएगा। तो ये डिसाइड करता है ये सिलेक्शन लाइन कि ये जो यहाँ से आ रहा है इनपुट, इस इनपुट को किस में भेजना, y0 और y1 में। तो ये कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ देखिए हम इसको बनाते हैं इसका पूरा। तो सबसे पहले अगर सपोज मान लीजिए कि e का वैल्यू 0 है, तो अगर हम इनेबल्ड ही 0 कर दिए तो ये पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। तो उस केस में, सॉरी यहाँ i को हम बाहर भेजने, सॉरी यहाँ पर हमारा इनपुट है s, सिलेक्शन लाइन है ना, s0, ठीक है। तो अगर e का वैल्यू हमने 0 कर दिया तो s0, ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगा कि i को y0 में भेजे कि y1 में। तो अगर इनेबल्ड ही 0 हो गया तो उस केस में ये सिलेक्शन लाइन अगर 0 रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों में 0-0 ही पुट होगा, कोई वैल्यू नहीं जाएगा इनमें। अगर e का वैल्यू 0 कर दें और s का वैल्यू 1 कर दें तो उस केस में भी इनका में इनमें जो आउटपुट होगा, दोनों सिग्नल जो आउटपुट सिग्नल होंगे वो 0-0 ही प्रोड्यूस करते रहेंगे। यानी कि इनेबल्ड के 0 होने पर s सिलेक्शन लाइन का वैल्यू कुछ भी हो वो कोई असर यानी कि कोई फर्क नहीं पहुंचाता है हमारे आउटपुट सिग्नल्स में। यानी कि ये जो इनपुट होगा ये कुछ भी हो ये किसी में पास नहीं होगा, ना इसमें ना इसमें, यानी कि पूरी तरह से ये ब्रेक रहेगा जब ये ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो उस केस में अगर आई एस का वैल्यू 0 कर देते हैं, सिलेक्शन लाइन को अगर 0 कर देते हैं, तो ये आई का वैल्यू इस y0 से पास हो जाएगा, है ना, वो किससे पास हो जाएगा, y0 से, और y1 उस केस में वो 0 प्रोड्यूस करता रहेगा। और इसी समय समय अगर s0 का वैल्यू 1 कर दें और इनेबल्ड 1 है तो उस केस में जो i है ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा y1 के साथ, यानी कि y1 टू सेकेंड आउटपुट में सिग्नल में चला जाएगा और ये 0 प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हमारे इसका ट्रूथ टेबल बनता है। तो अब इसको देखते हैं, इसका हम सर्किट डायग्राम पूरा बनाते हैं। अब ये तो पूरा शॉर्ट में बना हुआ है, इसके अंदर कैसे सर्किट डायग्राम बना होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास तो एक होगा इनेबल डिसेबल, वो तो होगा ही होगा, बाद की बात है, यार बना ही देते हैं इनेबल्ड, ठीक है। इसके बाद आपके पास होगा एक आई जो कि इन आउटपुट में जाएगा किसी ने दोनों में, ठीक है, आई, और एक है आपके पास s0 जो कि नॉट गेट में भी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 और 1 दोनों वैल्यू इसका है, किसी टाइम 0 किसी टाइम 1। अब इसका जो आउटपुट होगा वो कैसे निकलेगा, y0 के लिए क्या वैल्यू है, तो y0 के लिए वैल्यू क्या है, तो y0 i कब प्रोड्यूस करेगा, जब हमारा e और s0 कॉम्प्लीमेंट होगा तब ये i प्रोड्यूस करेगा। और y1 कब प्रोड्यूस करेगा i, तो जब हमारा e इनेबल्ड होगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा और हमारा s0 भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब ये i प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो y0 का वैल्यू 2 आउटपुट सिग्नल होगा, है ना, इसको और गेट से ऐसे नहीं कि लास्ट में पास करके एक आउटपुट बना देंगे, आउटपुट सिग्नल दोनों होगा। तो हमारे पास क्या है, पहला वाला वैल्यू में क्या आ रहा है, e यहाँ से आएगा एक, है ना, ये e सर्किट आएगा इनेबल्ड और डिसेबल्ड करने के लिए,
ठीक है। इसके बाद एस का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ से एस का कॉम्प्लीमेंट, और फिर आई, आई यहाँ से आएगा। आई दोनों में पास होगा, बट ये डिसाइड करेगा कि आई किस में जाएगा। कनेक्टेड दोनों में है, बट जाएगा किस में से ये डिसाइड करेगा हमारा ये सिलेक्शन लाइन का इनपुट, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकला, वाई जीरो, ठीक है, जिसका वैल्यू है हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा, हमारे पास क्या है, तो दूसरा जो हमारा डायग्राम हो जाएगा उसमें भी ई आएगा। इनेबल डिसेबल्ड सिग्नल तो दोनों में लगे रहेंगे, ठीक है, ताकि उसको ऑफ कर दिया जा सके। और आई भी हमारा रहेगा, है ना, आई रहेगा, लेकिन आई से पहले हमारे पास क्या है, एस। एस हमारा कंप्लीमेंट नहीं होगा, जो है डायरेक्ट वैल्यू वही रहेगा। और आई यहाँ से हम इसको कनेक्ट करके ले आएंगे, ठीक है, और इसका भी एंड गेट से पास कर देंगे, यहाँ पर निकलेगा वाई वन में। तो आई अब देखिए किस में प्रोड्यूस होगा, ये हमारा इनपुट है, ये हमको निकालना है। तो उस केस में अगर ई को जीरो कर दे, तो जीरो कर दिए तो ई दोनों में जीरो कर देगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अगर इसको हमने जीरो कर दिया, इनेबल्ड को अगर हमने जीरो कर दिया, तो उस केस में हमने क्या बताया कि उस केस में एस का वैल्यू कोई फर्क नहीं पहुंचाएगा, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा इसके आउटपुट में। यानी कि ई अगर जीरो कर दिए, तो यहाँ इनपुट जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो होगा, और ये जो भी दोनों एंड में एक बिट जीरो आ जाएगा, तो फिर अगले दो बिट पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। और एक भी इनपुट अगर जीरो है, तो आउटपुट क्या निकल जाएगा, जीरो। ठीक है, समझ में आया। तो फिर हमारा एस का वैल्यू कुछ भी कीजिए, आई का वैल्यू कुछ भी हो, आई तो जाने ही वाला नहीं है, क्योंकि एस भी फर्क नहीं पहुंचा पा रहा है, सबको जीरो कर दिया जा रहा है। तो इस केस में हमारा दोनों वाई जीरो और वाई वन हमेशा जीरो ही प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन सपोज हमने ई के वैल्यू को इनेबल्ड कर दिया, ई के वैल्यू को क्या कर दिया, इनेबल्ड कर दिया, यानी कि वन कर दिया, और वन कर दिए तो यहाँ भी वन हो जाएगा और यहाँ भी वन हो जाएगा। तो एक इनपुट तो वन हो गया। अब एक इनपुट अगर वन हो गया, तो ये दूसरे इनपुट पर डिपेंड कर जाएगा कि अभी दूसरा इनपुट क्या हो रहा है। तो अब एस पर डिपेंड होगा, एस भी डिसाइड करेगा कि आई किस में जाएगा, आई का वैल्यू जो होगा वो इससे निकलेगा या इससे। तो एस का वैल्यू हम पहली बार क्या कर देते हैं, जीरो। अगर यहाँ हमने जीरो किया, तो यहाँ हो जाएगा वन। अब देखिए ये जीरो कहाँ इनपुट हो रहा है, देखिए यहाँ जीरो ये इनपुट हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर एक वैल्यू जीरो इनपुट होगा, ये हमको जीरो प्रोड्यूस करके दे देगा, ठीक है। और ये जीरो प्रोड्यूस कर दिया, तो ये तो हमेशा जीरो ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ ये वन आया, तो ये वन यहाँ इनपुट होगा, हो रहा है ना, यहाँ से वन आया, ये वन इनपुट हुआ। अब ये वाला वैल्यू भी वन ही आ रहा है, तो ये दोनों अगर वन आ रहा है, तो ये अब डिपेंड करेगा ये तीसरे इनपुट आई पर। अब आई का वैल्यू जो भी होगा, वही यहाँ आउटपुट में जाएगा। आई अगर वन है तो वन आएगा, जीरो है तो जीरो, यानी कि यहाँ पर अब वैल्यू क्या आ रहा है, आई। तो देखिए पहला वाई जीरो कब हमारा आई प्रोड्यूस करेगा, जब एस का वैल्यू, सिलेक्शन लाइन का वैल्यू हम जीरो रखेंगे तब। अब यही हम क्या करते हैं, सिलेक्शन लाइन का वैल्यू वन कर देते हैं, सिलेक्शन लाइन का वैल्यू वन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये जीरो कहाँ इनपुट हो रहा है, देखिए ये जीरो हमारा यहाँ, देखिए इसमें इनपुट हो रहा है, तो ये जीरो इनपुट हो गया। अब ये जैसे जीरो इनपुट हुआ, जीरो, तब ये वन हो या कोई हो या ये कुछ भी हो, ये आउटपुट में हमेशा जीरो ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वहां पर आपके पास, वहां पर हमारा क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा, हम कॉल आ गया एक, ठीक है। वहां पर हमारा क्या हो रहा है, अगर ध्यान दीजिए, तो S का वैल्यू हमने यहाँ वन रखा है, जैसे ही वन रखा तो यहाँ जीरो, तो ये तो जीरो प्रोड्यूस कर दिया, ये वन यहाँ से, अब यहाँ से ये वन आ रहा है सिग्नल, तो यहाँ देखिए वन आएगा, तो यहाँ ये जीरो की जगह पर इस बार हुआ गया वन, और आई भी ई तो वन है ही, तो ये दोनों वन हो गया, तो ये डिपेंड करेगा ये तीसरे इनपुट पर, और तीसरा इनपुट है आई। तो आई अगर जीरो होगा तो जीरो, वन होगा तो वन, तो यानी कि यहाँ आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास, आई जो इनपुट है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट निकलेगा, यानी कि एस डिसाइड करता है कि आई किस में से पास होगा, वाई जीरो से पास होगा या वाई वन से पास होगा, है ना, कौन सा सिग्नल इनेबल्ड होगा। तो ये था हमारा 1:2 डीमक्स। अब इसी तरह हम देखते हैं 1:4 के बारे में, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। 1:4 का हम देखते हैं, तो इसको इरेज किए। अब 1:4 में देखिएगा तो क्या हो जा रहा है हमारे पास, 1:4 डीमक्स, है ना, 1:4 डीमक्स।
1:4 dmux में सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा, n का वैल्यू तो 4 है, सिलेक्शन लाइन हमको निकालना है। सिलेक्शन लाइन हमारे पास अभी ऑलरेडी पहले हम निकाल चुके हैं, तो इसमें सिलेक्शन लाइन m का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि दो वैल्यू होगा s0, यानी कि इसका जो अगर डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में इनपुट तो एक ही होगा i। अब ये i जो है ये y0 से निकलेगा या y1 से निकलेगा या y2 से निकलेगा, है ना, या y3 से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर चार इनपुट है, यहाँ देखिए चार आउटपुट टर्मिनल्स होंगे, है ना, 4 है, तो y0, y1, y2, y3। अब ये i किस में से निकलेगा, इसमें, इसमें या इसमें या इसमें, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सिलेक्शन लाइन। तो दो सिलेक्शन लाइन लगे होंगे s0 और s1, ठीक है, ये हमारे 1:4 dmux हुआ, ठीक है, 1:4 dmux। तो ये डिसाइड करेगा हमारा ये सिलेक्शन, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये i इसमें जाएगा, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, ठीक है। ये हमारा चारों सबके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन ये डिसाइड करता है कि ये आई वाई जीरो से या वाई वन या वाई टू या वाई थ्री से पास होगा, तो ठीक है। इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो ट्रूथ टेबल हमारे इसका जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में हम ई जो वैल्यू होगा, यहाँ ई जो लगा होगा उसको हम इनेबल्ड मानकर चलते हैं कि वो इनेबल्ड है, तो ई हमारा ये होगा। देन इसके बाद दो हमारा इनपुट है, सिलेक्शन लाइन है एस जीरो और S1, ये दोनों ही डिसाइड करने वाला है कि आउटपुट में I कहाँ जाएगा, ये जो I है वो किससे निकलेगा, है ना, ठीक है, ये I जो है ये किससे निकलेगा। तो इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं, I के बारे में हम यहाँ बताना है आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में क्या क्या निकल रहा है, Y0, Y1, Y2 और Y3। तो अब हमको देखना है कि किसके आउटपुट में I जाएगा। इसका जो ट्रूथ टेबल बनता है, इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से है, हमको हर बार i e को हमेशा क्या रखना है, 1 रखना है, इनेबल रखना है, तभी हमारा s0 और s1 काम करेगा। अब s0 और s1 दो इनपुट है, तो कॉम्बिनेशन या तो दोनों ही 0-0 होगा या 0-1 होगा या 1-0 होगा या 1-1 होगा, ठीक है। तो अगर s0 और s1 0-0 होगा तो i हमारा y0 से प्रोड्यूस होगा, अगर ये 0-1 होगा तो I Y1 से प्रोड्यूस होगा, अगर 1-0 होगा तो I Y2 से प्रोड्यूस होगा, और 1-1 होगा तो I Y3 से प्रोड्यूस होगा, यानी कि बाकी केस में ये सभी 0 को ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से इसका ट्रूथ टेबल है। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट का वैल्यू लिख लेते हैं, तो Y0 कब हमारा आई प्रोड्यूस करेगा, तो जब हमारे पास ई इन है और एस जीरो का कॉम्प्लीमेंट होगा और S1 का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, तब ये हमारा I प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह Y1 को देख लीजिए, तो Y1 के लिए अगर देखते हैं तो हमारा I कब प्रोड्यूस करेगा, तो इस वाले केस में ये वाला जो केस है, ठीक है, ये वाला केस, यानी कि E और S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का नॉट कॉम्प्लीमेंट, तब ये I प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह Y2 को अगर देखते हैं तो Y2 यहाँ है, इसके लिए ये केस बन रहा है, यानी कि E तो होगा विदाउट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि E अगर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो सब जीरो होने वाला है, और S0 भी विदाउट कॉम्प्लीमेंट, बस S1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तब ये हमारे पास I प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह Y3 कब I प्रोड्यूस करेगा, तो ये तीनों विदाउट कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी कि E, S0, S1, तब ये हमारा I को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हमारे पास चार आउटपुट टर्मिनल्स होंगे। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपके पास एक वैल्यू होगा E, ठीक है, एक वैल्यू E हो गया, है ना, ये हमारे पास वैल्यू हो गया E, इसके बाद हमारे पास हो जाएगा I, है ना, I ले लेते हैं, या पहले S0 S1 ले लेते हैं, S0, S0 में हमारे पास दो वैल्यू निकलेगा, एक S0 और एक S0 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास S1 होगा, S1 में भी दो वैल्यू निकलेगा, S0, S1 और S1 का कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमारे पास होगा I। तो ये तीनों का हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना, ये S0, ये S0 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये S1 और ये S1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये हमारे पास I, जिसको हमको पास करना है इधर Y0, Y1, Y2 और Y3 से। अब इसको हम पास करते हैं, तो इसके लिए हम डायग्राम जो है वो सर्किट के अनुसार हम बना देते हैं। तो क्या होगा, एक
इनेबल्ड जो सिग्नल है ये तो होगा ही होगा, ठीक है, ये तो सब में इनपुट होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास कौन इनपुट होगा, तो पहले वाई जीरो के अगर लिए मान बना रहे हैं तो ई होगा, और एस जीरो का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और एस वन का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि यहाँ से ये यहाँ से आया, ठीक है, तो ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और इसमें एक आई वैल्यू होगा, जो भी हो आई वो चला जाएगा, तो ये एंड गेट से पास होगा, तो यहाँ पर हमको निकलेगा वाई जीरो, यानी कि ये वाला वैल्यू, ठीक है। इसी तरह दूसरा को बनाइए, दूसरा क्या है हमारे पास वाई वन, इसमें ई आएगा, ई तो आना ही आना है, तो ई हम ले आते हैं, ठीक है, ये हम लूप लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये वो आई ई से आ रहा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर डायरेक्ट हम खींच देंगे तो। नेक्स्ट एस जीरो का कॉम्प्लीमेंट, एस जीरो का कॉम्प्लीमेंट यहाँ रहा, ठीक है, एस जीरो का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एस वन, एस वन यहाँ से, ठीक है, और आई आई यहाँ से हमारा, ठीक है, और इन तीनों को हम क्या करेंगे, एंड गेट से पास कर देंगे, एंड गेट से पास करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई वन। नेक्स्ट हमारे पास है वाई टू के लिए, तो ई यहाँ से ले आते हैं हम, ठीक है, और फिर एस जीरो, इसके बाद एस वन का कॉम्प्लीमेंट, और फिर आई, है ना, ये हमारा एंड गेट से पास होगा, तो यहाँ प्रोड्यूस करेगा वाई टू। नेक्स्ट है हमारे पास वाई थ्री, वाई थ्री के लिए ई यहाँ से आएगा, फिर हमारे पास एस जीरो, एस जीरो यहाँ से, इसके बाद एस वन यहाँ से, इसके बाद आई यहाँ से, ठीक है, और ये तीनों का हो जाएगा एंड, है ना, और इसको हम पास करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा वाई थ्री, है ना। इस तरह से हमारा चार आउटपुट टर्मिनल होगा, यही सर्किट है इसके अंदर, ये वाला बॉक्स के अंदर। अब इसमें आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट कर करके, आई को हमको देखना है कि आई इसमें निकलता है या इसमें, तो ई को हमेशा हमको क्या मान कर चलना है कि ई हमेशा हाई है, ठीक है, ये हमेशा हाई बीट यहाँ पर प्रोड्यूस इनपुट हो रहा है, हाई 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 और हाई, क्योंकि अगर ये लो हो जाएगा तो ये चारों आउटपुट में हमको जीरो दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस जीरो, एस जीरो को हम मान कर चलते हैं कि जीरो है और ये भी जीरो है, अगर ये जीरो है तो यहाँ वन, यहाँ भी वन, ठीक है। अब ये देखिए जीरो कहाँ कहाँ इनपुट हो रहा है, तो यहाँ यहाँ तो कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ जीरो इनपुट कर दे रहा है, ठीक है, और यहाँ यहाँ से जीरो जा रहा है, और यहाँ पर भी कनेक्टेड है तो यहाँ से भी जीरो जाकर इसमें जीरो इनपुट कर दे रहा है, तो दो जगह जीरो इनपुट कर रहा है, सो ये हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, जीरो जीरो, ये तो दोनों खत्म। अब इन दोनों में से कोई इसमें आई जाएगा ये देखना है, तो यहाँ से ये जीरो चला, ये देखिए कहाँ जीरो इनपुट हो रहा है, यहाँ तो कहीं नहीं हो रहा, यहाँ हमारा ये जीरो इनपुट हो रहा है, ये हमारा जीरो इनपुट हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ जीरो इनपुट कर देगा, और जैसे ही यहाँ जीरो इनपुट किया तो ये हम क्या आउटपुट में दे देगा, जीरो, ठीक है, तो यहाँ भी आई नहीं आया। इसमें देखते हैं यहाँ पर जीरो, ये हमारे पास यहाँ आया वन, ये हमको वन इनपुट किया, ठीक है, और यहाँ पर एस जीरो भी हमको क्या इनपुट कर रहा है, ये वन ही इनपुट कर रहा है, ठीक है, तो दो तीनों जगह इनपुट वन हो रहा है, तो अब ये डिपेंड करेगा इस वैल्यू पर। अब ये वैल्यू आई है, सो आई हमारा यहाँ अगर जीरो है तो यहाँ जीरो, वन है तो वन, यानी कि इस समय हमारे पास यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, आई आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये तो पहला केस था, दूसरा केस हम लोग चेक करते हैं, दूसरा केस हमारे पास क्या है, दूसरा केस है जब एस को हम जीरो ही रखेंगे, एस जीरो को हम जीरो ही रखेंगे, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे वन, तो ये जब जीरो होगा तो ये दोनों को तो जीरो ही करने वाला है, ये दोनों बिट हमारा जीरो ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ भी इनपुट हो रहा है और यहाँ भी इनपुट हो रहा है, बट अब एस जो है ये हमारा यहाँ हो जाएगा जीरो,
अब ये जीरो हो गया तो ये देखिए यहाँ इनपुट हो जा रहा है, ये वाला वैल्यू इनपुट करा ना यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास जीरो। और जैसे ही ये जीरो इनपुट करेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ अगर जीरो इनपुट करेगा तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा जीरो, अब आई नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम इसमें देखें, इसमें तो इसमें क्या हो रहा है, एस वन हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ से इनपुट हुआ इसमें, तो यहाँ आया ये क्या हो, जिस पर जीरो नहीं आया वन आया, तो यहाँ भी इनपुट क्या हो जाएगा वन। अब ये वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल देखिए वन आ रहा है, यहाँ से वन आ रहा है ना, तो यहाँ भी वन ही इनपुट होगा, होगा ना। तो ये हमारा आउटपुट ये तीनों वन हो गया, तो ये अब डिपेंड करेगा इस सिग्नल पर। अब ये सिग्नल है आई, तो आई का वैल्यू जो होगा वही यहाँ आउटपुट में आएगा। सो यहाँ आउटपुट क्या आ गया, आई। समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखते हैं कौन सा आउट है हमारे पास, तो कॉम्बिनेशन है हमारे पास वन और जीरो, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा वन और इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो ये अगर वन हुआ तो यहाँ हो जाएगा जीरो, अगर ये जीरो हुआ तो यहाँ हो जाएगा वन। ठीक, अब ये वन हुआ तो ये कहाँ कहाँ वन इनपुट करेगा, यहाँ एक वन इनपुट करेगा और एक यहाँ वन इनपुट करेगा, और ये वन यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ये एक वन ही जाने वाला है। अब ये तीसरे इनपुट, तीसरे और चौथे को देखेगा ये दोनों, और ये जीरो यहाँ दिखे हैं, दोनों यहाँ जीरो हो गया तो ये जीरो यहाँ इनपुट होगा, तो ये सिग्नल यहाँ इनपुट हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा जीरो, ठीक है, और ये भी जीरो हो गया तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये जीरो इनपुट कर देगा, और जैसे ही ये जीरो इनपुट करेगा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, और एक भी जीरो हो गया तो ये हो गया जीरो, यानी कि इन दोनों का तो कन्फर्म हो गया कि जीरो ही आउटपुट निकलने वाला है। नेक्स्ट, अब ये दोनों में ये दो सिग्नल को पता चल गया, तीसरा सिग्नल ये S1 डिसाइड करेगा। अब S1 का यहाँ से वैल्यू आ रहा है जीरो, तो ये जीरो देखिए इस किस में इनपुट हो रहा है, यहाँ देखिए जीरो आया तो ये इसमें इनपुट हो गया जीरो। तो जैसे ही एक भी इनपुट S1 यहाँ जीरो मिल गया तो ये भी वैल्यू हमारा हो जाएगा जीरो। अब यहाँ ये तो यहाँ पर ये S1 ना होकर यहाँ S1 का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो S1 का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ वन, देखिए वन है, यहाँ वन होगा तो ये हो जाएगा वन। ठीक है, अब ये तीनों बिट वन हो गया तो ये चौथे बिट पर डिपेंड करेगा, चौथा बिट हमारा आई है तो आई पर डिपेंडेंसी हो जाएगी कि आई क्या होता है जीरो और वन, तो आई जो भी होगा वही यहाँ आउटपुट में चला जाएगा। समझ में आया। तो ये था हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन, और अब हम देखते हैं चौथा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चौथा कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, तो चौथा कॉम्बिनेशन में हमारे पास है वन वन, यानी कि दोनों को हमको क्या कर देना है, हाई कर देना है, ये भी वन ये भी वन, तो ये वन हो गया तो ये तो जीरो ही रहेगा, और ये वन हो गया तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब ये यहाँ वन, यहाँ ये वन हुआ तो ये तो जीरो निकाल दिया, प्रोड्यूस कर दिया यहाँ, तो ये जीरो प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ जीरो, तो ये दोनों तो जीरो जीरो ही रह गए, तो ये दोनों तो हमारा सर्किट काम नहीं करेगा है ना, जीरो प्रोड्यूस करेगा, आई इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखाएगा। बट यहाँ जब एस का वैल्यू हम वन किए तो वन ये कहाँ चला जाएगा हमारे पास, अब ये वन वन यहाँ तो दो इनपुट हो गया, अब ये इसका देखिए एक वैल्यू जीरो भी है और वन, तो जीरो वाला देखते हैं कहाँ इनपुट होता है, ये दोनों में तो हमको देखना भी नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ देखिए ये जीरो इनपुट हो रहा है ना, जीरो इनपुट यहाँ पर ये जीरो आ रहा है, एस वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, तो यहाँ पर ये वैल्यू को कर देगा ये जीरो, और जैसे ही एक वैल्यू जीरो हुआ तो ये हमारा रिजल्ट क्या दे देगा जीरो। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं, तो ये S1 का वैल्यू इसमें क्या इनपुट हो रहा है, तो S1 का वैल्यू ये वाला लाइन आ रहा है, ये लाइन यहाँ इनपुट हो रहा है, तो ये लाइन हमारा क्या लेकर आ रहा है अपने साथ, वन लेकर आ रहा है हाई बिट, तो यहाँ हो गया हाई बिट। अब एक तो पहले पहले से ये दोनों हाई था, एक और आया हाई, तो अभी तीनों बिट अगर हाई हो गया तो ये चौथा बिट पर डिपेंड करेगा, और चौथा बिट है हमारे पास आई, सो आई का जो वैल्यू होगा वही यहाँ आउटपुट में आने वाला है, तो यहाँ आउटपुट में आ जाएगा आई। तो ये देखिए चौथे में हमारा जब दोनों को वन वन के तो आई हमारा वाई थ्री वाले से पास होगा। समझ में आए। तो कौन सा आउटपुट होगा, कब ये इनपुट सिग्नल किससे कनेक्ट होगा, वाई जीरो वाई वन वाई टू और वाई थ्री में से किससे कनेक्ट होगा, तो वो डिसाइड करेगा, ये दोनों मिलकर हमारा डिसाइड करता है कि हमारे पास ये आई किस आउटपुट टर्मिनल के थ्रू पास होगा। ये था 1:4। अब है 1:8, 1:16, ये सब आप अपने खुद से बनाकर देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ट्रुथ टेबल जनरेट कर लेना है, और उसके बाद आप उसके आधार पर ये बना लीजिए और इसको बनाने लिख लीजिए, और लिखने के बाद ये आप डायग्राम बना सकते हैं, सर्किट डायग्राम। तो ये था आपका डी मल्टीप्लेक्सर। अगर आपको इस डी मल्टीप्लेक्सर वाले लेक्चर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, समझ में आया,
तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।